Hello dear learners, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am here with the another daily MCQ dose in which I will discuss the molarian mimicry. Yesterday I have uploaded one video dealing with the Batesian mimicry and in today's video we will deal the molarian mimicry along with its question. So do watch it out and like, share and subscribe for more such videos. इफ यू हैव स्टिल नॉट सीन यस्टेज वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन बेट्सियन मेमिक्री सो डू चेक इट आउट आई विल मैंशन द लिंक इन द आई बटन नाउ लेट्स डिस्कस मोलेरियन मेमिक्री सो मोलेरियन मेमिक्री इज क्वाइट डिफरेंट फ्राम वॉट बेटसियन मेमिक्री इज मोलेरियरियन मेमिक्री में क्या होता है ये एक ऐसा मेमिक्री है जिसमें दो या दो से ज्यादा स्पीशीज जो हैं दे टें सिमिलर इन अपीयरेंस यानी कि दो या दो भी दो से ज्यादा भी स्पीशीज जो भी हैं वो क्या करेंगे वो सिमिलर दिखेंगे अपने मॉडल जैसा सो दैट प्रेडेटर क्या करे किसी एक स्पेशीज़ को भी देखे तो वो क्या हो वो उसे अवॉइड करे क्योंकि वो हार्मफुल है फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्पेशीज़ है ए एक स्पीशीज है बी एक स्पेशीज़ है सी अब किसी एक पर्सन ने अगर ए स्पीशीज को देखा है और किसी एक पर्सन ने बी स्पीशीज को देखा है तो अगर ये मुलेरियन मिमिक्री में है तो दे ऑल लुक सिमिलर यानी इन तीनों का ही अपियरेंस कैसा होगा सिमिलर होगा तो कोई भी पर्सन अगर ए को भी देखा है बी और सी को नहीं देखा है तो क्या होगा उसे बी भी देखने पर लगेगा कि अरे वो ए जैसा दिख रहा है यानी जो उसने पहले देखा होगा मैं मुलेरियन मिमिक्री को थोड़ा सा और इजी में समझाती हूँ सपोज ही कोई तीन स्पीशीज़ है ए बी और सी ये तीनों ही स्पीशीज़ मोलेरियन मिमिक्री शो कर रहे हैं मोलेरियन मिमिक्री शो कर रहे मतलब ये तीनों का ही जो अपियरेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा सपोज़ किसी एक पर्सन ने ए स्पीशीज़ को दिखा और थोड़े टाइम बाद जब वो बी और सी को देखेगा बी को देखे या फिर सी को देखे तो उसे क्या याद आएगा कि मैंने कुछ दिन पहले कुछ टाइम पहले एक ऐसे ही वही स्पीशीज़ देखा था यानी वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा कि उसने कोई और स्पीशीज़ देखा है वो क्या सोचेगा जो मैंने पहले स्पीशीज़ देखा था वो ही स्पीशीज़ है तो मोलेरियन मिमिक्री का यही प्रॉपर्टी है कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो हैं वो सेम दिखते हैं सो दैट दे कैन बी अवॉर्डेड बाई प्रिडेटर इवन इफ वन स्पीशीज इज नोटिस्ड यानी कि अगर प्रिडेटर ने सिर्फ जो मोलेरियन मिमिक्री में कुछ स्पीशीज सिमिलर हैं उनमें से अगर किसी एक को भी देखा है तो वो अगर उसके कुछ दिन बाद उनकी उनके ही ग्रुप के किसी और स्पीशीज को देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि ये वही वाला स्पीशीज है और वो उससे क्या करेगा हार्म नहीं करेगा क्योंकि फोर्सेगा कि वो हार्मफुल है मोलेरियन मिमिक्री में स्पीशीज किस पे जोर देते हैं दे रेनफोर्सिंग द बेसिक डिस्टेस्टफुल डिजाइन यानी कि स्पीशीज को देखते ही क्या लगे कि ये सब के सब सारे ग्रुप वाले क्या है डिस्टेस्टफुल है इट मीन्स कि वो पॉइजनस है अनपैलेटेबल है अब जो मोलेरियन मिमिक्री है उसमें क्या होगा मैंने अभी जस्ट बताया था कि दोनों ही स्पीशीज यानी कि बोथ मिमिक एंड मॉडल आर पॉइजनस जितने भी ऑर्गेनिजम्स अंडर वो होते हैं मोलेरियन मिमिक्री में वो क्या होते हैं पॉइजनस होते हैं किसी न किसी वे पे वो पॉइजन सिक्रियट करते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस या कोई केमिकल सिक्रिएट करेंगे जैसे कोई टॉक्सिन सिक्रिएट करे तो मोलेरियन मिमिक्री में कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि जो मिमिक और मॉडल होते हैं बोथ मिमिक एंड मॉडल स्पीशीज हैव सेकेंडरी डिफेंसिस यानी कि उनमें किसी ना किसी टाइप का सेकेंडरी डिफेंसिस होता है इधर कोई थॉर्न्स होंगे स्पाइन होंगे कुछ केमिकल कुछ टॉक्सिन सिक्रिएट करेंगे जिससे क्या हो प्रेटर्स अब खाते ही उनमें वो पॉइजन स्प्रेड आउट हो जाए और उन वो किल हो जाए तो मोलेरियन मोमिक्री का इतना सा पॉइंट एक याद रखना है कि हमेशा दो अनपैरिटेबल स्पीशीज ही रहेंगे और वो क्या करेंगे वो रिजेंबल करेंगे एक दूसरे के जैसे दिखेंगे और एक वार्निंग साइन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डार्क कलर्स कलर्स के फॉर्म में क्या करते हैं एक डेंजर साइन देते हैं कि मान लो कि एक कोई भी बटरफ्लाई अभी हम इसमें देखेंगे अभी एग्जाम्पल कि वो बटरफ्लाई का जो कलर होगा उससे मिलते जुलते जो भी स्पीशीज़ है सेम कलर होगा तो किसी एक बटरफ्लाई को भी कोई स्पॉट करेगा तो वो क्या लगेगा कि अरे ये पॉइजनस है उसके कितने भी स्पीशीज़ हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये सारे के सारे पॉइजनस हैं तो ये होता है मोलेरियन मेमिक्री सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल मोलेरियन मेमिक्री का जैसे कि ये क्वीन बटरफ्लाई ये मोनार्क बटरफ्लाई और ये वाइस रॉय बटरफ्लाई ये तीनों का ही अपियरेंस कैसा दिख, दिख रहा है हमें सिमिलर दिख रहा है दे ऑल आर क्वाइट सिमिलर अगर मैं क्वीन बी को भी स्पॉट कर रही हूँ किसी भी जगह में और अगले दिन मैं वाइस रॉय बटरफ्लाई को स्पॉट कर रही हूँ तो मैं रिकग्नाइज नहीं कर पाऊंगी कि ये क्वीन नहीं है यह वाइस रॉय नहीं है क्वीन है वाइज वर्सा यानी कि किसी एक स्पीशीज को भी हम देखेंगे और नेक्स्ट डे कोई और बटरफ्लाई को देखेंगे बट हमारे माइंड में क्या रहेगा कि वो उसी दिन वाला स्पीशीज़ है जो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया इट मीन्स कि इतने सिमिलर दिखते हैं कि वो एज अ नॉर्मल पर्सन हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि वो कौन सा स्पीशीज़ है और ये तीनों ही बर्ड्स के लिए क्या होते हैं टॉक्सिक होते हैं क्योंकि ये क्या सिक्रियट करते हैं ये पॉइजन सिक्रीट करते हैं तो ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ये जो बटरफ्लाइज का ये हमेशा ही पूछा जाता है एग्जाम्स में एक नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है बहुत ही अच्छा जो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसर्च पेपर से लिया है मैंने ये बुक्स में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं इसका भी एग्जाम्पल दे सकता है क्योंकि मोलेरियन मिमिक्री जो है या बेट्सिन मिमिक्री है कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल के फॉर्म में भी पूछता है विच ऑफ दी फॉलोइंग एग्जाम्पल इज़ फ्रॉम मलेरियन मिमिक्री या फिर नहीं है पूछ सकता है तो आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स थोड़े याद रखने होंगे ये एक न्यू निटल फ्रॉग का एग्जाम्पल है ये एक न्यू फ्रॉग का एग्जाम्पल है जो कि एंडेमिक है कहाँ पे? यह पेरू का एंडेमिक स्पीशीज़ है और ये क्या होता है इसको क्या नाम देते हैं मिमिक पॉइजनस फ्रॉग ये बहुत ही पॉइजनस होता है और पर्टिकुलरली कहाँ मिलता है पेरू में मिलता है अब यहाँ पे आप चार स्पीशीज़ देख सकते हैं वन टू थ्री और फोर अब जो अपर लेफ्ट में है ये वाला ये कैसा पैटर्न दिख रहा है आपको ये बैंडेड दिख रहा है यानी कि बैंड्स बने हुए हैं इसमें और ये वाला जो है राइट हैंड टॉप में ये कैसा है ये है स्ट्राइप यानी कि इसमें दिख रहा है ऐसे स्ट्रिप्स बनी हुई हैं स्ट्राइप्स बनी हुई हैं सॉरी तो ये वाला सेकेंड वाला है अब जो थर्ड वाला है स्पॉटेड ये लेफ्ट हैंड ये लोअर में तो ये कैसे इस पर छोटे छोटे से स्पॉट्स बने हुए हैं और जो ये आखिरी वाला है ये कैसा है ये है यानी कि इसमें रेंडम पैटर्न्स बने हुए हैं तो ये जो चारों हैं वो क्या शो कर रहे हैं वो भी मोलेरियन मिमिक्री ही शो कर रहे हैं अब अभी रिसेंट पेपर्स में ये पूछा है कि नहीं पूछा है आई एम नॉट श्योर क्योंकि मुझे कहीं दिखा नहीं है हालांकि मैंने सी एस आर के पेपर्स ही देखे अभी तो आपको ये वाला नाम याद रखना है रानी टोमया तो ये जो फ्रॉग हैं ये एंडेमिक है पेरू के अब इनके में क्या होता है ये चार अलग अलग आपको वो दिख रहे हैं स्पीशीज़ अब इसमें आप लोग ये सोचेंगे कि यार ये तो सिर्फ कलर्स दिख रहे हैं इनका मॉडल कहाँ है तो इनका मॉडल जो है ये जो चारों स्पीशीज़ दिख रहे हैं ये फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड और ये फोर्थ ये सब किससे रिजेंबल रिजेम्बल करते हैं फर्स्ट वाला जो है वो एक जो रानी टोमे का ही स्पीशीज़ है समरेसी फिर सेकेंड वाला किससे रिजेंबल करेगा वेरिएबिलीज से और थर्ड वाला भी एक और स्पीशीज़ है यानी कि ये जो दोनों ये वाला सेकेंड और थर्ड दोनों ही वेरिएबिलिस से और ये जो फोर्थ वाला ऑरेंज वाला है वो आर फेंटास्टिका से यानी कि रानी टोमे के ही कितने स्पीशीज़ हो गए थ्री स्पीशीज़ हो गए यानी कि फर्स्ट वाला किससे रिजेंबल करेगा समरेसी से और जो सेकेंड और थर्ड वाले हैं वो वेरिएबल्स से और ये वाला जो है ये ऑरेंज वाला वो किससे रिजम्बल कर रहे हैं रानी टोमिया फेंटेस्टिका से यानी कि मॉडल कौन हो गए ये जो ब्लू कलर से मैंने नेम मेंशन किया है वो मॉडल है और ये जो चार यहां पे दिख रहे हैं वो कौन हो गए ये सारे ये मिमिक हो गए यानी कि ये क्या शो कर रहे हैं ये मोलेर मिमिक शो कर रहे हैं ये इनके मॉडल्स हैं रेस्पेक्टिवली अब इससे क्या होता है ये पॉइजनस है यानी कि अगर मान लो कोई प्रिडेटर इसको देख रहा है रानी टोमिया समेसी को उसको देखेगा और फिर थोड़ी देर बाद अगर इसको देखेगा वेरिएबिल को जो कि है ये वाला और ये वाला तो वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा कि उसने मॉडल देखा है कि मिमिक देखा है तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बस आपको इसमें यह याद रखना है रानी टोमिया इसके चार स्पीशीज हैं और यह 100% परसेंट मिमिक्री में इसका एग्जाम्पल आता है जो थर्ड और जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है डिसटेस्टफुल न्योट्रॉपिकल बटरफ्लाई आपको ये याद रखना है इससे पहले हमने न्योट्रॉपिकल फ्रॉग्स के बारे में देखा था ठीक वैसे ही डिसटेस्टफुल न्योट्रॉपिकल बटरफ्लाई अनपैलेटेबल बटरफ्लाई फ्रॉम दिस स्पीशीज़ हेलिकोनीस ये जो स्पीशीज़ है यानी कि जीनस जो हेलिकोनियस जीनस है उसके ही अलग अलग स्पीशीज़ यानी जो टॉप मोस्ट में ये दिख रहा है ये जो बटरफ्लाई दिख रही है वो कौन सी स्पीशीज़ है हेलिकोनियस की ये रेडो स्पीशीज़ है और नीचे वाला जो है वो क्या है मेल्पो मीन. तो ये जो नीचे वाली है मेल्पो वो भी हेलिकोनियस की स्पीशीज़ है अब जो टॉप मोस्ट में है और नीचे में है लोअर मोस्ट में वो दोनों ही अलग अलग स्पीशीज़ है बट दे क्वाइट लुक सिमिलर यानी कि अगर मैं इसको भी देखूंगी या इसको भी देखूंगी तो मैं स्पीशीज का पता नहीं लगा पाऊंगी ये क्योंकि हेलिकोनियस के ही हैं तो ये कैसे दिख रहे हैं सबके सब सेम दिख रहे हैं ये वाले डायग्राम में भी और ये सब डिस्टेंटली रिलेटेड होते हैं यानी कि बहुत दूर दूर जगह में इसलिए मैंने ये एक जियोग्राफिकल लोकेशन वाला लगाया था कि यहाँ पे हेलिकोनियज के अलग अलग स्पीशीज यहाँ स्पॉट हो रहे हैं अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे तो जिससे क्या पता चल रहा है कि डिस्टेंटली रिलेटेड हैं मतलब दूर दूर जगह में ये लोग बसे हुए हैं लेकिन फिर भी क्या हो रहा है इन लोग एक कॉमन कलरेशन पैटर्न शेयर कर रहे हैं ताकि ये अपने प्रिडेटर से बच पाए सपोज कि कोई एक प्रिडेटर यहाँ पे देख रहा है इस वाले स्पीशीज को और कुछ टाइम बाद अगर वो यहां पे दूसरा स्पीशीज देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि वो यही वाली स्पीशीज है यही वाली और वो उसको फिर हार्म नहीं करेगा तो यही होता है मोलेरियन मिमिक्री इसका एडवांटेज ही होता है कि वो ग्रुप में फायदा मतलब पूरे ग्रुप को ही प्रोटेक्ट करता है प्रिडिटर से किसी एक स्पीशीज को भी स्पॉट किया प्रिडेटर ने तो क्या हो गए पूरे के पूरे जो मेंबर्स हैं उस स्पीशीज में जो अंडर मोलेरियन मिमिक्री हैं वो सबके सब प्रोटेक्ट सब होंगे तो ये वाला एग्जाम्पल भी याद रखना है हेलिकोनियस न्यूट्रॉपिकल हेलिकोनियस बटरफ्लाइज दे ऑल आर इन मोलेरियन मिमिक्री नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है मोलेरियन मिमिक्री इन नॉर्थ अमेरिकन मिलीपीड्स एफिलोरिन मिलीपीड्स में भी क्या होता है मोलेरियन मिमिक्री शो होता है ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये सब कैसे दिख रहे हैं सब के सब एक जैसे दिख रहे हैं सिमिलर दिख रहे हैं यानी किसी एक को भी देखो और दूसरे दिन दूसरे को देखो तो पता नहीं चलेगा कि हमने आउट ऑफ सिक्स स्पीशीज किसे देखा है तो ये मिलीपीड का भी जो एग्जाम्पल है वो किस में आता है मोलेरियन मिमिक्री में आता है नाव एक मेजर क्वेश्चन आता है जैसे कि हम बेटसन मिमिक्री में जानते हैं कि एक मिमिक होता है और एक मॉडल होता है तो हमको पता है कि मॉडल कौन है एग्जैक्टली exactly हम बता पाते हैं मिमिक कौन है हम वो भी बता पाते हैं जो मिमिक होता है वो कैसा होता है वो पैलेटेबल होता है यानी कि वो एडिबल होता है नॉन पॉइजनस होता है लेकिन जो उसका मॉडल होता है वो कैसा होता है अनपैलेटेबल होता है पॉइजनस होता है तो बेट्सिन मिमिक्री में तो हम अच्छे से बता पाते हैं कि मिमिक कौन है मॉडल कौन है बट इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू आंसर हु इज द मिमिक एंड हु इज द मॉडल इन मोलेरियन मिमिक्री यानी हाउ डू वी नो विच वन इज द मॉडल एंड विच वन इज द मिमिक इन पर्टिकुलरली मोलेरियन मिमिक्री मोलेरियन मिमिक्री में ये बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि मिमिक कौन है मॉडल कौन है क्यों ऐसा है क्योंकि दे बोथ लुक सो सिमिलर दोनों का ही जो बॉडी का कलरेशन पैटर्न है अपियरेंस है वो इतना सिमिलर होता है कि ऑब्जर्वेशन करने पर भी पता नहीं चल पाता प्रिडेटर को भी कि मिमिक कौन है मॉडल कौन है सो so, इस पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ है बहुत सारे थ्योरीज़ हैं साइंटिस्ट लोग अभी भी इसका कुछ कुछ डिस्कवरी कर ही रहे हैं लेकिन कुछ कॉमन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो मॉडल है मॉडल और मेमिक का कैसे पता लगा जाए मॉडल में कुछ फीचर्स होने चाहिए जिससे कि पता चले कि वो मॉडल है फॉर एग्जाम्पल पहला फीचर क्या बोला उन लोगों ने कि बहुत ज़्यादा अनपैलेटेबल होना चाहिए यानी कि बहुत ही नॉक्शियस होना चाहिए नॉन एडिबल होना चाहिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस होना चाहिए नेक्स्ट क्या होना चाहिए बहुत ही कॉमन होना चाहिए यानी कि ईजिली स्पॉट हो जाए वो कहीं पर भी अर्लियर हो यानी कि सीजनल स्पीशीज जब होते हैं तो सबसे पहले उसका अक्यूरेंस मॉडल का हो मॉडल स्पीशीज का लार्जर हो साइज में मोर कंस्पीशियस मोर क्रिगेरियस शुड हैव अ वाइडर जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सिर्फ एक ही जगह पे ना हो अलग अलग लोकेशंस पे वो अवेलेबल होना चाहिए लेस फर्जी कलर पैटर्न्स, बहुत ज़्यादा एकदम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए मोर एंशियंट कलर पैटर्न्स, पुराने स्पीशीज से जो मतलब जैसे स्पीशीज ए है तो इनके जो एनसेस्टर्स हैं उनके जैसा ही कलर नियर अबाउट होना चाहिए बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं होना चाहिए लेस पॉलीमोलफिज़म बहुत ज़्यादा एक ही स्पीशीज़ में मतलब किसी एक जीनस की अलग अलग स्पीशीज में बहुत ज़्यादा वेराइटी नहीं दिखना चाहिए सब सिमिलर दिखना चाहिए लेस ओवरऑल डाइवर्जेंस फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल कलर पैटर्न देन दियर मिमिक्स यही वाले एग्जाम्पल में अभी दिखा रही थी ये वाले नाइन्थ पॉइंट में मोर एंशेंट कलर पैटर्न यानी ये अपने एंसेस्टर्स से क्लोजली रिजेंबल होना चाहिए ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन आ गया तो वो पूरा ही अपने एंसेस्टर से अलग दिख रहा है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो साइंटिस्ट ने कॉमन कंक्लूड की हैं कि ये मॉडल में होनी चाहिए तो उसी स्पीशीज़ को हम मॉडल कहेंगे क्योंकि मुलेरियन मिमिक्री में इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हु इज द मिमिक एंड हु इज द मॉडल लेट्स क्विकली रिवाइज आज हमने क्या पढ़ा आज की वीडियो में सो बेसिकली वी हैव लर्न मुलेरियन मिमिक्री दैट इज बेस्ड ऑन दी वार्निंग कलरेशन इन ग्रुप ऑफ स्पीशीज यानी कि मिमिक और जो मिमिक होता है और मॉडल होता है वो क्या होते हैं वो वाइट सिमिलर दिखते हैं कलरेशन पैटर्न जो उनके बॉडी का होता है वो सिमिलर दिखता है इट मीन्स दे री एनफोर्स द बेसिक डिसटेस्टफुल डिज़ाइन अमंग देम सेल्व यानी कि किसी एक स्पेशीज को भी स्पॉट करे और नेक्स्ट डे कोई दूसरे स्पेशीज को स्पॉट करे तो हम रिकग्नाइज ही ना कर पाए प्रोडेटर रिकग्नाइज ना कर पाए कि कौन सा स्पेशीज है और इस तरह से क्या करते हैं वो पूरे के पूरे अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं इसका बेटर एग्जाम्पल क्या होता है हमेशा जो पूछे जाता है बटरफ्लाइज हैविंग द सेम बेसिक वार्निंग कलरेशन इन विच क्वीन मोनार्क एंड वाइस राइव बटरफ्लाई आर प्रिडोमिनेट इनका कलरेशन पैटर्न इनका जो अपियरेंस है वो इतना सिमिलर होता है कि प्रिडेटर जो होता है वो उनको रिकोगनाइज नहीं कर पाता है सो दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम दी अटैक बाय द प्रिडेटर्स. डेट सॉल्व सम क्वेश्चन सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेसिक क्वेश्चन इज मोलेरियन मिमिक्रीज फाउंड वेन मोलेरियन मिमिक्री कब होता है अप्री स्पीशीज हैज केमाउ टू मैच टू इट्स बैकग्राउंड नई केमाउफ्रेज नहीं करता है वो अब अपे स्पीशीज इज एबल टू चेंज इट्स केमाउफ्रेज टू मैच इट्स बैकग्राउंड ये भी नहीं ये भी केमाउफ्रेज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है शेयर्स अ कलरेशन विद अदर स्पीशीज इंडिकेटिंग दे आर ऑल डिस्टेस्टफुल एंड पॉइजनस येस दिस इज करेक्ट यानी मोलेरियन मिमिक्री हम इसी को ही बोलते हैं कि कॉमन कलरेशन पैटर्न शेयर हो किसके किसके बीच में जितने भी स्पेशीज है यानी दोनों ही स्पेशीज डिस्टेस्टफुल यानी मिमिक भी डिस्टेस्टफुल पॉइजनस हो और मॉडल भी तो ये सही है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर मोलेरियन मिमिक्री सो द फर्स्ट ऑप्शन इज मिमिक एंड मॉडल बोथ गेट बेनिफिटेड येस दिस इज ट्रू अगर पर्यटन ने मॉडल को भी देखा है तो मिमिक बच जाएगा मिमिक को भी देखा है तो मॉडल विल बी प्रिजर्व्ड तो ए तो सही है इनकरेक्ट नहीं है बी क्या है मिमिक एंड मॉडल डो नॉट गेट बेनिफिटेड ये तो उसका कंट्रोडिक्टी स्टेटमेंट है यही इनकरेक्ट है इनकरेक्ट है मतलब हमारा आंसर क्या है बी है नेक्स्ट दो पढ़ लेते हैं टू और मोर अनपैलेटेबल स्पीशीज अ शो रिजेंबलेंस ये भी सही है लेकिन क्वेश्चन में हमको इनकरेक्ट पूछा है ये ध्यान रखना है लास्ट ऑप्शन है अटेस्टफुल स्पिशीज रिजेंबल और डिस्टेस्टफुल स्पीशीज ये तो बेट्सियन में मिक्री होता है जिसमें एक अनपैलेटेबल होता है एक पैलेटेबल होता है यानी कि हमारा आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका दो ऑप्शन दो करेक्ट है बी भी सही है डी भी सही है और इसका क्या था सी था तो बी और डी दोनों ही सही है क्योंकि मिमिक कैन मॉडल डो नॉट गेट बेनिफिटेड तो गलत है मोडेर मिमिक्री का एक खासियत है कि मॉडल को भी अगर देख ले लेटेड तो मिमिक बच जाता है मिमिक को भी देख ले तो मॉडल बच जाता है ग्रुप को ही फायदा होता है और डी क्या है बेटसिन मिमिक्री है इसीलिए डी और बी इसका करेक्ट आंसर है

जो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे है डिस्टेंटली रिलेटेड है लेकिन वो क्या होते हैं दे लुक लाइक ईच अदर और मैंने ये भी बताया कि कुछ ना कुछ फर्स्ट स्लाइड में ये कोई ना कोई डिफेंस पावर होता है इधर कोई थॉर्न हो कोई स्पाइन हो या फिर डॉक्जिन सिक्रीट करे केमिकल फॉर्म में नेक्स्ट है एन अन एनिमल हैज़ इट्स बॉडी मॉडिफाइड टू तो लुक लाइक अ नॉन एडिबल आइटम सच एज अ थॉर्न नहीं ये भी नहीं है डी है नंबर ऑफ एनिमल्स सम पॉइजनस एंड अदर सेफ टू इट ऑल लुक लाइक नहीं ये भी गलत है क्योंकि इसमें क्यों गलत है ये भी पता होना चाहिए गलत है तो ये नहीं कि कुछ भी करके गलत है क्यों गलत है सम पॉइजनस एंड अदर सेफ टू ईट ये मैंने बताया था मोलेरियन मिमिक्री का याद रखना है कि दोनों ही स्पीशीज अनपैलिटेबल तो होते हैं नेक्स्ट है नन ऑफ दिस चॉइसिस तो गलत है क्योंकि हमारा एक तो सही है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बी हेलो डियर लर्नर्स वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम विद दी अनदर डेली आई एम सी डोज in which I will discuss upon the Batesian Mimicry. I will discuss what exactly is Batesian Mimicry and the example and also the question associated with Batesian Mimicry. So do watch it out and do like share and subscribe my channel for more such videos. Mimicry is a very common process in our day-to-day -day life. Many a times we mimic so many models like for example, बॉलीवुड में हम जिन्हें पसंद करते हैं या इवन हॉलीवुड में हम जिन्हें पसंद करते हैं हम उन्हें मिमिक करते हैं तो जो मिमिक करता है उसे मिमिक कहते हैं यानी जो किसी को कॉपी कर रहा है उसे कहते हैं मिमिक और जिसे कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं मॉडल यानी कि हम नॉर्मल लाइफ में भी मिमिक्री वाला जो प्रोसेस है या आप बोल सकते इवेंट है उसको हम लोग देखते हैं नाउ लेट्स डिस्कस ये मिमिक्री क्या होता है

जगह पे सर्वाइव करे जिस हैबिटाट में वो अपने प्रिडिटर्स से बच पाए सो so, मेजरली जो मिमिक्री होता है वो दो टाइप का होता है बेट्सियन मिमिक्री एंड मोलेरियन मिमिक्री इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल डिस्कस विस्कस दिन मिमिक्री इन वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द मोलेरियन मिमिक्री सो so, बेसिकली जो बेट्सियन मिमिक्री होता है उसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें सो इट इज मिमिक्री ऑफ एन अनपैलेटेबल स्पीशीज बायो पैलेटेबल वन यानी ऐसे स्पीशीज जो नॉन एडिबल हैं जो टॉक्सिक हैं जो कोई पॉइजन सिक्रीट करते हैं या कोई हार्मफुल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं उनको कॉपी करते हैं कौन कॉपी करते हैं जो हार्मलेस है जो एडिबल है, है वो क्या करता है? टॉक्सिक वन को कॉपी करता है ताकि जो उसके एनवायमेंट में उसके आसपास के हैबिटाट में जो भी प्रोडेटर्स रह रहे हों वो क्या सोचे कि ये एक हार्मफुल स्पीशीज़ है हमें इनसे दूर रखना हमें इनसे दूर रहना है क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं सो बेसिकली बेडसियन मिमिक्री रेफर्स टू दी कन्वर्जेंस ऑफ पैलेटेबल मिमिक स्पेशीज ऑन डिसटेस्टफुल मॉडल पैलेटेबल मिमिक मतलब कि हार्मलेस मिमिक जिन्हें जो कि एडिबल होते हैं जो कोई पॉइजन सिक्रेट नहीं करते हैं वो किसको कॉपी करते हैं वो डिसटेस्टफुल मॉडल्स को यानी कि टॉक्सिक मॉडल्स को कॉपी करते हैं नाउ लेट्स डिस्कस दी एग्जाम्पल ऑफ बेडस एंड मिमिक्री सो बेसिकली ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है अगर आप गूगल भी करने जाएंगे बेड्स एंड मिमिक्री एग्जाम्पल तो सबसे पहले आपको ये किंग्स स्नेक और ये कोटल स्नेक का ही एग्जाम्पल आएगा इसमें क्या होता है बेडस एन मिमिक्री में जैसे कि हमने देखा कि एक पैलेटेबल यानी कि हार्मलेस स्पीशीज किसे कॉपी करता है एक हार्मुल स्पीशीज को कॉपी करता है सो हैज टू अवॉइड इट्स उसे ना आ, किल कर पाए ना उनके तरफ जा पाए इसके लिए वो क्या करता है एक पॉइजनस स्पीशीज को रिजेंबल करता है नाउ लेट्स सी द एग्जांपल जिसमें क्या होता है एक नॉन वेनमस स्कारलेट किंग स्नैक यानी कि ये क्या होता है नॉन पॉइजनस होता है जो किसे कॉपी करता है किसे में करता है एक वेनमस कोरल स्नेक को यानी कि नॉन वेनमस किंग स्नेक किसे कॉपी कर रहा है एक वेनमस कोरल स्नेक को यू कैन सी हियर इन द फिगर ए ये वाला फिगर जो है वो जिसमें टू थ्री कलर के बैंड्स हमें दिख रहे हैं ब्लैक व्हाइट एंड ऑरेंज कलर के तो ये जो स्नेक है वो स्कारलेट किंग स्नैक है जो कि क्या होता है नॉन पॉइजनस होता है वेनम नहीं होता है इसके अंदर अब ये किसे कॉपी कर रहा है ये कॉपी कर रहा है इससे किसे कर रहे हैं कॉरल स्नेक को जिसके अंदर क्या होता है वेनम होता है पॉइजन होता है तो इस टाइप की मिमिक्री को ही बोला जाता है बेटसियन मिमिक्री सो दिस इज दी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ़ बेडसेन मिमिक्री क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो क्वेश्चन का सेंटेंस घुमा के दे सकता है कि हार्मलेस या फिर नॉन हार्मफुल मिमिक्स दी वेनमस या फिर पॉइजनस या फिर हार्मफुल तो आपको सिलेक्ट क्या करना है वहां पे बेडसेन मिमिक्री नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है फ्लाइज अलग अलग टाइप की जो फ्लाइज होती हैं जिनके बॉडी पे क्या होती है स्ट्रिप्स बनी होती है ब्लैक एंड येलो कलर के वो लोग किसे रिजेंबल करते हैं स्टिजिंग बीज एंड वास्प को रिजेंबल करते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है स्टेंज होता है वो स्टिजिंग मतलब डंक मारते हैं वो लोग तो क्या करते हैं जो नॉर्मल फ्लाइज होते हैं कि अपना अपेयरेंस जो है अपने ऊपर बैंड्स या स्ट्रिप जैसा अपियरेंस ले आते हैं ब्लैक और येलो कलर का ताकि हमें लगे कि वो हनी बी है या फिर वास्प है जो कि हमारे हमारे को डंक मार सकते हैं हमारे लिए वो हार्मफुल हैं यह हमें पेन दे सकते हैं तो उस तरह से वो लोग बचते हैं एक ही एग्जाम्पल हो गया नेक्स्ट एक कॉमन एग्जाम्पल है द रिजेंबलेंस बिटवीन दी वाइसरॉय एंड द मोनार्क बटरफ्लाई अब यहाँ पे जो वाइसरॉय रॉय बटरफ्लाई होती है वो क्या होता है वो पैलेटेबल होती है पैलेटेबल मीन्स वो एडिबल होती है और वो एक मेजर फूड भी है किन कैटरपिलर का विलो एंड पॉपुलर लीव्स में रहने वाले कैटरपिलर का तो जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है वो अपने प्रोटीन के लिए किसे रिजेंबल करती है मोनार्क बटरफ्लाई को करती है रिजेंबल जो कि क्या होता है बहुत ही ज़्यादा डिसटेस्टफुल या पॉइजनस होता है यानी कि इनके अंदर क्या पाया जाता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड रहता है जो कि किससे लिया जाता है मिल्क वीड से एक्सट्रैक्टेड होता है यानी कि जब कैटरपिलर मिल्क वीड को कंज्यूम करता है अपने मेटामोरफोसिस के टाइम पे तो वो उनके बॉडी में एक्मलेट हो जाता है तो ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है उनके जो कलर्स दिख रहे हैं ऑरेंज ब्लैक डार्क कलर ये क्यों होता है ये जो स्ट्राइकिंग कलर्स हैं वो ये शो करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है उनके बॉडी में क्या है पॉइजन है तो ये भी एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है जो वाइसराय बटरफ्लाई होती है वो किन्हीं रिजेंबल करेगी वो मोनार्क बटरफ्लाई को रिजेंबल करेगी क्योंकि वो पॉइजनस होता है और इससे क्या होता है वो अपने प्रोडिक्ट से

हार्मफुल नहीं है अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए वो क्या करता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिड्यूटर से ऐसे एक ऑर्गेनिजम को मिमिक करता है यानी उसका मॉडल ऑर्गेनिजम कौन होता है मिमिक्री के लिए वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं वो पॉइजन सिक्रिएट करते हैं तो एक हार्मलेस स्पीशीज जब एक हार्मफुल स्पीशीज को मॉडल बना के उसे मिमिक करता है तो ये कहलाता है बेट्सियन मिमिक्री इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेट्सियन मिमिक्री नेक्स्ट आते हैं मोनार्क बटरफ्लाई कैटरपिलर्स आर नॉट गुड टू ईट बिकॉज दे कंटेन कार्डिक ग्लाइकोसाइड और टर्पिनइड्स दे गेट दिस केमिकल्स बाय मोनार्क बटरफ्लाई हार्मफुल होती है अभी हमने देखा कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है वो क्या मे करती है मोनार्क बटरफ्लाई को सो दैट इट कैन बी प्रोटेक्टेड बाई दी प्रस तो ऐसा क्यों होता है कि मोनार्क बटरफ्लाई जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजन से क्रिएट करता है बिकॉज दिसवेस्टेड दैम फ्रॉम द मिल्क वीड लीव्स यानी कि वो मिल्क व्हीड लीव्स को एनगल्फ करते हैं और मिल्क व्हीट लीव्स में ही ये जो ग्लाइकोसाइड कार्डिक ग्लाइकोसाइड है उसमें वो रहता है तो उनके बॉडी में भी धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होने लगता है और उसी की वजह से उनका कलर आता है हेलो डियर डर्नर्स वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आल आर डूइंग वेल I am here with the another daily MCQ dose in which I will discuss the most important the Burjwin's rule, which is again related to the changes in the body size of an animal due to the temperature variation in a particular geographic location. So do watch it out and do like, share, and subscribe my channel for more such videos. Let's start learning Bergwin's rule. Burjwin's rule states that the organism basically from

जो वार्मर एरिया में रह रहे हैं ये सेम जो रोल है नॉट सेम ये सिमिलर काइंड ऑफ रूल है एलेंस का रूल एलिस्ट रूल भी ये कहता है कि जो ऑर्गेनिजम्स वार्मर एरिया में रहते हैं उनके अपेंडिजिस कंपेरेटिवली बड़े होते हैं बट इट इज अबाउट ओनली अपेंडिजेज यानी कि उनके जो एक्सटर्नल ईयर हैं या फिर लिम्स हैं वो स्लेंडर होंगे थोड़ा उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा लाइकवाइज बर्ज रूल ये कहता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका मास ज्यादा है वो कहाँ पे मिलेंगे हमें वो हमें मिलेंगे जनरली हायर लेटिट्यूड पे और जो बर्जेन्स रूल है वो ये क्या रिलेट करता है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर को रिलेट करते हैं किससे बॉडी के सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो से कि कैसे बड़े ऑर्गेनिजम्स का वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो कम हो रहा है लॉ दैट इज एन रूल Uh, that is based on the changes in the appendages size of an animal as per the temperature of that particular area. So today we will discuss the another rule that is based on the animal body size changes as per the different temperature. So Bergmann's rule states that organism at higher latitude should have larger and thicker than those closer to the equator to better conserve heat. As we all know that, Agarham हमारी बॉडी का साइज बड़ा रखेंगे या बड़ा होगा हमारे बॉडी का साइज तो हमारा जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो छोटा होगा यानी कि हमारी बॉडी से जो हीट है वो ज़्यादा डिसिपेट नहीं होगा और अगर हम लोग हायर एटीट्यूड पर रह रहे हैं यानी कि कम टेम्परेचर पर रह रहे हैं बहुत ही कोल्डर एरिया में तो वहाँ पे हमारा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो बहुत ही डिक्रीज होना चाहिए यानी कम होना चाहिए क्योंकि अगर वो ज़्यादा रहेगा तो हमारी बॉडी का हीट से डिसिपेट हो जाएगा जिससे क्या होगा हमारा सर्वाइवल उस एरिया में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा या इवन बहुत ही ज्यादा फिटिंग कंडीशन भी हो सकती है इसलिए जैसे कि पोलर गियर जो जलरि अंटार्कटिका में या कोल्डर एरिया में जो दिखते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं बिकॉज दे हैव स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो दैट इज हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द बॉडी हीट ऑफ दैट पोलर गियर सो ये जो रूल है वो बेसिकली यही कहता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साइज में बड़े हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे जनरली पोल्स पे मिलेंगे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बर्जविंस रूल है वो किस पे अप्लाई होता है वो ऐसे पर अप्लाई होता है जो केपेबल होते हैं कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में बाहर का टेम्परेचर चाहे जो भी हो अपना कॉन्स्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो पाते हैं और जैसा कि हमारा जो हायर लैटिट्यूड होता है नॉन जैसे कि पोल्स पे हमें कैसे एनिमल्स मिलेंगे लार्ज साइज के एनिमल मिलेंगे जैसे कि ये पोलर भी है ये साइज में बड़ा है और जो ये इक्वेटर है यहाँ पे यहाँ पे हमें कैसे एनिमल्स मिलेंगे यहाँ पे हमें जो एनिमल्स मिलेंगे वो साइज में क्या होंगे छोटे होंगे क्योंकि उनको हीट प्रिजर्व नहीं करना है उनको सर्विस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा रखना है इसीलिए वो क्या होंगे साइज में बड़े होंगे अकॉर्डिंग टू बर्ज रूल वी वुड एक्सपेक्ट दैट दी बॉडी मास ऑफ पीपल फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट विल बी डैश फ्रॉम हॉट तो दो क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही ईजी है वर्जमैन रूल यही कहता है कि जो भी एनिमल्स हायर एटीट्यूड पर रहेंगे यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर पर रहेंगे उनका बॉडी का साइज जो है वो क्या होगा बहुत ही बड़ा होगा क्योंकि जितना बॉडी का साइज बड़ा होगा उतना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा कम होगा यानी बॉडी का हीट बहुत ही कम लॉस होगा और कोल्डर टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएंगे वो ऑर्गेनिज्म तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा लार्जर देन लेट्स क्विकली रिवाइज कि आज हमने क्या पढ़ा है So, we have learned today the Bourgeois rule, which is based on the changes in the body size of an animal based on the temperature difference in that area. So, basically, we have learned that the Bourgeois rule states that the closely related mammals or birds and those animals are homeotherms. It means they are capable of maintaining a constant internal body temperature despite the drastic change in the environmental temperature. जर इन साइज एंड देयर फोर देर एट हायर लैटिट्यूड रीजन बिकॉज दे हैव टू कंजर्व देर बॉडी हीट एंड इट स्टेड दैट द एनिमल्स लार्जर इन साइज हैव स्मर सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सो दैट दे केन कंजर्व देर बॉडी हीट एंड दे केन वेरी कंफर्टेबली रिसाइड इन अ वेरी कोल्डर रीजन बॉजमिन ये कहता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साइज में बड़े होते हैं वो हमेशा हमें पोल्स की तरफ मिलेंगे यानी कि एट या हायर लैटिट्यूड मिलेंगे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही माइनस में रहता है या तो बहुत ही लो रहता है और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं उन ऑर्गेनिज्म से जो कोल्डर एरिया में रह रहे हैं वो कहाँ पर मिलेंगे वो हमें मिलेंगे इक्वेटर पर क्योंकि तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज छोटा है उनका वॉल्यूम सॉरी उनका सर्फेस एरिया टू तो वॉल्यूम रेशियो जो है वो क्या होगा वो ज्यादा होगा तो उनके बॉडी से हीट जल्दी से लिबरेट आउट हो जाएगा ताकि क्या हो वो लोग एक्सट्रीम समर में सर्वाइव कर पाए तो बर्जमेंस रूल क्या कहता है लार्जर साइज स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सो दैट एन एनिमल कैन सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन जस्ट लाइक अ पोलर बियर पोलर बियर साइज में बड़ा होता है और उसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो छोटा होता है इसीलिए वो एक्सट्रीम ठंडी में भी सर्वाइव कर लेता है एंड ऑल्सो उनका जो बॉडी है वो स्किन है बॉडी स्किन वो थिक होता है ताकि इंसुलेशन प्रोवाइड हो एक्सट्रीम कोल्ड में सो आई होप आपको ये समझ आया होगा हेलो डियर लर्नर्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आई एम हियर विद द अनदर सीरीज ऑफ डेली एमसीक्यू डोज इन विच आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजी रूल दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन वेरियस एग्जामिनेशन that is ellen's rule which is based on the body size of an animal which is based on different geographic areas uh, related to the colder temperature as well as warmer temperature so we will discuss what is ellen's rule and how the animals have different size as per the geographic location basically based on different temperature of that particular area so do subscribe my channel for more such videos And enjoy these lecture series. Solve the questions. Allen's rule predict the individual who live in colder climate should have a rounder, more compact body type. This body type helps individuals in what? यानी कि Allen's rule के बारे में पूछा गया है कि ऐसे individuals जो colder climate में रहते हैं, उनकी body बहुत ही compact होनी चाहिए, यानी size छोटा होना चाहिए उनका। तो ये किस रीज़न से होना चाहिए सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू मिनिमाइज हीट लॉस जितना ज्यादा सरफेस एरिया बड़ा रहेगा उतना ज्यादा बॉडी से हीट डिसिपेट होगा इसीलिए हमें अगर कोल्डर रीजन में सर्वाइव करना है तो बॉडी का हीट जो है उसे कंजर्व करके रखना होगा जिसके लिए क्या जरूरत है हमारा कॉम्पैक्ट साइज यानी कि स्मॉलर साइज जरूरी है ये एलेंस रूल होता है सेकेंड क्वेश्चन है the masai who live in the great rift valley of east africa have tall slender body type with long limbs this body type helps the masai lose body heat which of the following best explains their body type so again this is an Allen's rule yani is individual's जो slender body type say longer limbs othaya or क्यों होते हैं लॉन्गर लेम्स और सिलेंडर ताकि बॉडी से हीट ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो पाए ताकि वार्मर क्लाइमेट में बहुत अच्छे से सरवाइव करते बने इसीलिए ये क्या होता है कोल्डर रीजन में शॉर्टर अपेंडिज होते हैं और जहाँ पे वार्मर एरिया है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे बॉडी का जो साइज़ है वो कंपैरेटिवली बिगर होता है जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी का हीट इजीली रिलीज़ हो पाए एलिस्ट रूल जो होता है बेसिकली वो रिलेट करता है एनिमल्स के साइज़ का यानी कि उनके जो अपेन्डिजेज़ हैं उनका जो ओवरऑल साइज है वो कैसा होगा ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन यानी कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा होता है कहीं का टेम्परेचर कम होता है फॉर एग्जांपल डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है अगर हम वही हम बात करें किसी कोल्डर uh, रीजन जैसे कि अंटार्टिका हो गया जहाँ पे कंटिन्यू स्नोफॉल होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है तो वहाँ के एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं तो उससे ये रूल रिलेट करता है नाउ लेट सी वॉट एग्जैक्टली इज एलेंस रूल सो बेसिकली एलेंस रूल जो होता है वो क्या कहता है कि द एनिमल्स सर्वाइविंग इन कोल्डर एनवामेंट टेंड्स टू हैव शॉर्टर अपेंडिज देन दोज लिविंग इन वार्मर एनवायरमेंट इट मीन्स द एनिमल्स लिविंग इन कोल्डर रीजन वेर द टेम्परेचर इज अंडर माइनस उन लोग क्या होता है उन लोग के बॉडी में उन लोग की बॉडी में जो अपडिजेज होते हैं एक्सटर्नल ईयर जो होता है पूरी बॉडी कॉम्पैक्ट होती है सो so दैट जो बॉडी का हीट है वो बाहर ना जाने पाए और कोल्डर रीजन में जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाए दो स्पीशीज इन कोल्डर आर्कटिक एनवामेंट हैव शॉर्टर ईयर्स दैन दो इन टेम्परेचर और हॉट डेजर्ट एनवायरमेंट कंट्रास्टिंगली जो एनिमल्स बहुत ही वार्म वेदर में रहते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है बहुत गर्मी होती है उन एनिमल्स में जो अपेंडिज होते हैं वो कंपेरेटिवली आगते के एनिमल्स से क्या होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं द ग्रेटर द सर्फेस एरिया इज इक्वल टू द ग्रेटर द हीट लॉस इसीलिए जो कोल्डर इन्वामेंट में हैं उनके जो अपेंडिज़ हैं वो छोटे होते हैं ताकि बॉडी का हीट जो है वो ज़्यादा लॉस ना हो पाए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो डेजर्ट में स्पीशीज़ रहते हैं रैबिड या फिर जो फॉक्स होते हैं उनमें देखा जाता है कि जो डेज़र्ट वाला रैबिट है उसके अपेंडिजिज़स काफ़ी बड़े हैं एक्सटर्नली अगर आप देखिए कितने ज़्यादा बड़े हैं साइज़ में एज़ कम्पेयर टू दी रैबिट सर्वाइविंग इन कोल्डर रीजन जो कोल्डर रीजन में है उसके अपेंडिजिज छोटे हैं ताकि बॉडी का जो हीट है वो ज़्यादा लॉस ना हो पाए वरना वो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा एक्सट्रीम कोल्ड में वहीं जो हम फॉक्स uh, की अगर बात करें तो जो नॉर्मल फॉक्स है जो वार्मर एरिया में रहता है उसके अपेंडिज़ बड़े हैं अगेन और जो कोल्डर में रह रहा है स्नो में रह रहा है उसके अपेंडिजिज छोटे हैं यानी कि अगर हमें अपनी बॉडी का हीट प्रिजर्व करना है फॉर एग्ज़ाम्पल इन विंटर्स हम क्या करते हैं बॉडी को एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं एकदम ज़्यादा uh, सिकुड़ के रहते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो हीट है वो लॉस ना होने पाए वैसे ही ये अडाप्टेशन एनिमल्स में भी होता है कि जिनको नेचुरली कोल्डर रीजन में रहना है उनके अपेंडिजेस उनके बॉडी का जो टाइप है वो एकदम कॉम्पैक्ट होगा ताकि कम से कम बॉडी का हीट लॉस हो पाए और जितना वार्मर एरिया में रहते हैं जो एनिमल्स उनके अपेंडिजेस बड़े रहते हैं ताकि बॉडी का हीट जल्दी से जल्दी डिसिपेट हो पाए और वो लोग वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर को मैनेज कर पाए Hello dear learners, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am here with the second day of DDMCQ dose. In this video, I will deal with the most frequently asked the 4D syndrome which is a condition that is caused in the pellagra which is associated with the diarrhea, dermatitis and dementia which ultimately leads to death of the patients. So we will discuss about the 4D syndrome so do completely watch the video and also like share and subscribe for more such videos now let's understand our concept through solving this question the question says that 4d syndrome is caused due to the deficiency of you have listed three different type of vitamin b and one vitamin e so you have to take the correct option so 4d syndrome is associated with the deficiency of विटामिन बी थ्री और आल्सो नोन एज नाइसिन सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी नाइसिन दैट इज विटामिन बी थ्री अब हम लोग ये देखेंगे कि पर्टिकुलरली विटामिन बी थ्री का क्या रोल है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में एंड आल्सो विच आर दी फोर डिफरेंट टाइप ऑफ द सिंड्रोम एसोसिएटेड इन द्रा डिजीज फोर डी सिंड्रोम में कौन कौन से एसोसिएटेड हैं, जो कि अल्टीमेटली डेथ के लिए रिस्पॉन्बल है के, जो की सफर करता है से. तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं बी थ्री डिफिशियंसी की जब नाइसन बॉडी में बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में एक कंडीशन बन जाती है जिसे हम कहते हैं पेलेग्रा पेलेग्रा को कैरेक्टराइज किससे करते हैं थ्री डी सिंड्रोम बोला जाता है इसको बेसिकली लेकिन ये थ्री डी सिंड्रोम जो है वो इतने फेटल हो जाते हैं कि उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है इसीलिए इसको थ्री डी नहीं बोल के कई सारी जगह में इसको फोर डी भी बोला जाता है यानी कि इसमें एक्सेसिव डायरिया होता है डर्मेटाइटिस होता है डिमेंशिया होता है डिमेंशिया क्या होता है लॉस ऑफ कॉम्युनेटिव फंक्शन थिंकिंग रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग और बेसिकली क्या होता है हमारा मेंटल रिटार्डेशन शुरू हो जाता है और हम नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी जो होती है वो भी हिंडर होती है हमारे मेंटल रिटार्डेशन की वजह से तो उसे कहते हैं डिमेंशिया यानी कि सीवियर लॉस ऑफ कॉम्युनेटिव फंक्शन अब हमारे जो पैलेग्राम है मेन जो होता है वो क्या होता है डर्मेटाइटिस होता है यानी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं क्योंकि पहले जो नाम पड़ा है वो इटालियन शब्द से लिया है जिसका क्या मतलब होता है सोर या फिर रफ स्किन अब विटामिन डी थ्री सॉरी विटामिन बी थ्री जो है उसका फंक्शन मेनली क्या है तो विटामिन बी थ्री जो है हमको पता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें एट एसेंशियल वाटर सॉल्युबल वाइटामिन मिलते हैं जिनमें से विटामिन बी वन जिसे थायमिन बोला जाता है विटामिन बी टू तो जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं विटामिन बी थ्री जिसे नाइसिन कहते हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में वाइटामिन बी फाइव एंडोथनिक एसिड वाइटामिन बी सिक्स पायरेडोक्सिन वाइटामिन बी सेवन बायोटीन वाइटामिन बी नाइन फॉलिक एसिड और वाइटामिन बी ट्व जिसे बोलते हैं कोबालमीन यानी कि वाइटामिन बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी नाइन बी ट्वेल्व ये एट वाइटामिन बी जो है इन सबको मिला के बोलते हैं वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो की वाटर सॉल्युबल वाइटमिन होते हैं और जिनमें से बी थ्री जो है जिसे हम क्या कहते हैं निकोटिनिक एसिड या फिर निकोटिनामाइड भी कहा जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस के लिए अब B3 जो है उसके से क्या डिजीज हो रहा है उसे हम देख लिया अभी पैरेग्राफ ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ पे वो एक प्लेजरस प्लेग्रेसूट का फिगर लगाया मैंने यानी कि स्किन रैशेस हो जाते हैं और स्किन का जो नेचुरल टेक्सचर और कलर जो हमें मिलता है उससे ये डार्कर शेड के हो जाते हैं और ये एक फोर आर्म में प्लेगेरा हुआ है तो उसका ये फिगर मैंने इनक्लूड किया है इसमें ताकि एक्चुअल नाइसिन को लेगरा प्रिवेंटिव फैक्टर भी बोलते हैं यानी कि पीपी फैक्टर भी बोला जाता है क्योंकि इसी के डिफिशियंसी से ये डिजीज होती है इसीलिए लेगरा प्रिवेंटिव फैक्टर भी बोला जाता है वाइटामिन बी थ्री को अब विटामिन बी थ्री का बहुत सारा फंक्शन है यानी कि वो एक जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारी बॉडी में यानी कि एच डी एल हाई डेंसिटी लेपो प्रोटीन उसे भी इंक्रीज करता है और जो लो डेंसिटी लेपोप्रोटीन होता है जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं उसे ये डिक्रीज करता है यानी कि इसका फंक्शन क्या हो गया इट इंक्रीजेज दी गुड कोलेस्ट्रॉल एंड इट रेड्यूस दी बैड कोलेस्ट्रॉल दैट इज एन डी एल इसके अलावा ये क्या करता है ये हमारी बॉडी में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं एनएडीपी NADP और एनएडीपीएच ये उसको भी बनाता है यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में तो वो सारा कुछ किस पर डिपेंड होता है रिड्यूसिंग पावर एनएडीपी और एनएडीपीएच पे तो नाइसिन का रोल उसमें भी होता है इसके अलावा जो होता है वो नाइसिन का रोल ये भी है कि बहुत सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है यानी कि अगर हमारे बॉडी में फॉरेन पैथोजन आ रहे हैं तो उस टाइम पे भी इसका रोल होता है यानी कि अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा डायरिया होगा पॉलेरा होगा तो उस चीज को भी ये प्रिवेंट करता है उसके अलावा भी ये जो नाइसिन है या वाइटामिन बी थ्री इट इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग दी हार्डनिंग ऑफ द आर्ट्रीज यानी कि एथरोस्थियरसिस को भी ये रोकता है जिससे कि हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट पेन कार्डियोवास्कुलर डिजीज बेसिकली वो रिड्यूस हो जाती है इस एंजाइम इस वाइटामिन की वजह से और इसके अलावा भी इट प्ले अ की रोल इन मैनेजिंग डायबिटीज डायबिटीज़ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि जो इंसुलिन रिलीज होता है हमारे पैनक्रियाटिक सेल से यानी कि आईलेट ऑफ फ्लैंगर एन के जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है तो हमारी बॉडी में कितना शुगर रिलीज होगा वो किस पे डिपेंड होता है इंसुलिन पे तो इंसुलिन को भी ये कंट्रोल में रखता है और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं इट ऑल्सो हेल्प इन मैनेजिंग डायबिटीज फर्दर मोर इसका रोल हम लोग ब्रेन में भी दे सकते हैं ये इम्प्रूव करता है हमारे कॉमनेटिव फंक्शनिंग को जो अभी हम देखें कि इसके डिफिशियंस डिमेंशिया होता है इट मीन कि इसका ता कहीं ना कहीं फंक्शन हमारे ब्रेन को कंट्रोल में ब्रेन सेल्स को ये रिपेयर करता है जिससे जिसकी वजह से साइकोमोटर डिजीज जो होती है अल्जाइंग डिजीज ये सारी चीजें क्या होती है वो प्रिवेंट होती है एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है तो अभी मैंने जितनी भी चीज़ें पे मेंशन की है वो सब बहुत ही है के के रोल को समझने लिए और इसीलिए मैंने इसका एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया है आज एक शाम में आप उसको देख सकते हैं वाइटामिन बी थ्री का रोल आपको वहां पर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आई होप ये जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है वो आपको समझ आया होगा तो जब भी क्वेश्चन आए फोर डी के ऊपर थ्री डी के ऊपर वो किससे रिलेटेड है वो एक कंडीशन है जो कि होता है बेसिकली ड्यू टू डिफिशियंसी बी थ्री और जिसमें कौन से डिजीजेस uh, या सिमटम्स हमें देखने को मिलते हैं तो वो है डायरिया डर्मेटाइटिस डिमेंशिया विच अल्टीमेटली नीड्स टू डेथ ऑफ पेशेंट इसलिए एक और डी जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं फोर डी सिंड्रोम Hello dear learners welcome back to my channel i hope you all are doing well i am here with the daily mcq dose in which i will discuss the most common the lysosome storage disorder that is the gaucher disease in which a deficiency or a mutation in the enzyme glucocerebrosidase takes place which results in the lipid accumulation in different organs सो वी विल डिस्कस दिन कॉज ऑफ इट एंड वॉट आर दी कॉन्सिक्वेंसिसोसिएटेड विद द गोशे डिजीज सो स्टे ट्यून्ड एंड डू कंप्लीटली वॉच द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज गोशे डिजीज जो होता है वो एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिस किस वजह से होता है ये एक एनजाइम होता है जिसे कहते हैं हम ग्लूकोज सेरिब्रोसाइडेज ग्लूको सेरिब्रोसाइडेज जो एंजाइम है उसमें म्यूटेशन हो जाता है यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम ग्लूकोसरिब्रोसाइडेज रिजल्ट्स इन गोशे डिजीज अब जो ग्लूकोसरिब्रोसाइडेज एंजाइम है उसका फंक्शन क्या होता है इट इज़ अ लाइसोसोमल ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हाइड्रोलिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड दैट इज ग्लूकोसिल सेरामाइड तो ग्लूकोसिल सेरामाइड को ये क्या करता है क्लीव करता है ग्लूकोज और सेरामाइड में अब अगर यही एंजाइम एनजाइम एबसेंट हो गया तो क्या होगा ये वाला जो प्रोसेस है वो तो होगा ही नहीं यानी कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स में मेनली कहाँ कहाँ पे, लीवर स्प्लीन बोन मैरो में एक्यूमुलेट होने लगता है क्या एक्यूमुलेट होने लग जाएगा ग्लूकोज सेरिब्रोसाइडिस जिसका क्या होता है बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे हमें पता है कि लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं बहुत सारे जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो वहीं पे जाते हैं और वहीं पे उसका डिग्रेडेशन होता है ठीक वैसे ही जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज है वो क्या होता है लाइसोजोम में एक एनजाइम है ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेज है इट मीन्स कि एक क्या क्लीव करता है ये एक ग्लाइकोलिपिड है जैसे कहते हैं ग्लाइकोसिल सेरामाइड ये वाला उसको क्लीव करेगा तो क्या मोनोमर्स बनेंगे ग्लूकोज और सेरामाइड ये प्रोसेस होता है लाइसोजोम में क्योंकि ये एनजाइम जो है वो लाइसोजोम में बनता है ड्यू टू सम म्यूटेशन इन दी जी बी ए वन जीन ये जो एनजाइम है वो फॉल्टी हो जाता है यानी कि ये एंजाइम बनता ही नहीं है तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस है वो क्या होगा होगा ही नहीं यानी कि एक्यूमलेट होने लग जाएगा ये सब स्ट्रेट लाइसोजोम में और एक्यूमलेट होता है जो लिपिड वो कैसा अपियरेंस देता है एक क्रम्पल टिश्यू पेपर जैसा अपियरेंस देता है जब हम इसको एक माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये जो पूरा स्टेप है वो क्या अराइज करता है यानी कि हमारे लिवर में हमारे बॉडी में ये लिपिड को एक्यूमलेट करने लग जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा हमारा लिवर भी काम करना बंद कर देगा लिवर मल फंक्शनिंग होगा और जितने भी बॉडी के अलग फंक्शंस हैं वो सारे इम्पेयर होंगे किसकी वजह से ड्यू टू एक्यूमलेशन ऑफ लिपिड इसकी वजह से पार्किसन डिजीज़ भी अब रिसेंट लिटरेचर्स में देखा जा रहा है कि जिन पेशेंट्स में हायर लिपिड कंटेंट है उनके में पार्किसन्स डिजीज़ भी देखा जा रहा है ये ऑस्टियोपोरोसिस को भी अराइज़ करता है सीवियर जॉइंट पेन होता है जिसमें और बॉडी के जो बोन्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होने लग जाते हैं इस वजह से और इसका जो डायग्नोसिस है वो जनरली क्या किया जाता है लिवर फंक्शन एंजाइम टेस्टिंग से कर सकते हैं सीबीसी काउंट से कर सकते हैं जिसमें प्लेटलेट्स क्या होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा उसके अलावा जीनोटाइपिंग टेस्ट कर टेस्टिंग कर सकते हैं कि जी में म्यूटेशन तो नहीं हुआ है नॉर्मल जीबी का जो जीन है उसका स्ट्रक्चरल फीचर उसके सीक्वेंसेस देख के और जो म्यूटेटेड है उसके सीक्वेंस देख के पता लगाया जाता है तो ये जो डिजीज़ है मेनली किस वजह से होता है गौशे डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी इन दी एंजाइन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिस ऑफ ग्लूकोस ग्लूकोसिल सेरामाइड इन टू ग्लूकोज एंड सेरामाइड हेलो डियर लर्नर्स वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल फर्स्ट ऑफ़ ऑल अ वेरी हैप्पी एंड to नवरात्रि टू ऑल दी लर्नर्स आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग एनी वीडियो इन weeks due वीक्स ड्यू टू issues. But बट आई that दैट tomorrow onwards आई विल बी रेगुलर हम लोग अपने छोटे से एफर्ट से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं जैसे इस वीडियो के पीछे का मोटो मेरा ये है कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं जैसे सपोज आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं लेकिन ऐसा होता है कि सेल बायोलॉजी हम बहुत लंबा खींचने लग जाते हैं वही हमें लगता है कि हमारा माइक्रोबाइलॉजी छूट रहा है हमारा बायो प्रोसेस छूट रहा है या फिर हम बायो केमिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं या फिर इकोलॉजी नहीं कर पा रहे हैं एनी अदर जो भी टॉपिक्स है उसको हम लोग मिस कर रहे हैं एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते तो इस एम सी क्यू डोज वाले वीडियो के पीछे का मोटो ये है कि रोज़ टेन टू तो फिफ्टीन मिनट्स में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन के पीछे जितने भी लॉजिक होंगे या जितने भी कंसेप्चुअल चीजें होंगी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग डिस्कस uh, करके उसको लर्न करेंगे और ये वीडियो मैं रोज ही लेके आऊंगी ताकि आप लोग कुछ नया रोज सीख पाए सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टू ग्रेस्प वेरियस कॉन्सेप्ट दैट हैज़ बीन आज इन वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लेट स्टार्ट

ट और डीवी एल्यूमिनेट नेक्स्ट जो फेलोजन है फेलोजन किसको कहा जाता है कॉर्न कैम्बियम को कहा जाता है phenem जो है, किसको कहते है? को कहते हैं? हैं। को फेलोडम जाती, टिश्यू विचार मोनर लेस यानी कि एस का मैचिंग किससे होगा फर्स्ट से होगा तो हमारा इससे आंसर क्या निकल आया हमारा आंसर निकल आया ऑप्शन बी लेकिन अब इसका एक्सप्लेनेशन देखना है कि एग्जैक्टली ये सारे जो मिलते जुलते टर्म्स हैं वो क्या हैं जैसे कि फेलॉइड्स फेलोजन फेल या फेलोडम ये एक दूसरे से मिलता जुलता है और इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा मैचिंग में आते हैं क्योंकि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं अगर सिंगल पूछेगा तो वेल एंड गुड बहुत अच्छी बात है हम कर लेंगे सॉल्व लेकिन अगर मैचिंग में आता है तो कई बार ही कन्फ्यूजन हो जाता है सेम सेम टर्म्स है तो इसलिए हम लोगों को इसका एक एक जो बेसिक डिफरेंस है या किस सेल को कहाँ पे वाइज भी हम लोग याद रख सकते हैं तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है तो पहले तो बेसिक डिटेल जान लेते हैं कि ये जितने भी टर्मिनोलॉजी हमने मैच कॉलम में देखा वो किससे रिलेटेड है वो एक टर्म है पेरीडम पेरीडम से रिलेटेड है और पेरीडम जो होता है वो बेसिकली तीन चीज से मिलके बनता है फेनिम जो कि सुबेराइज सेल से बनती है फेलोजन जिसे कॉर के भी कहते हैं और फेलोडम यानी कि पेरिडम इज कम्पोज ऑफ फेल फेलोजन एंड फेनोडोम ये तीन चीज से मिलके हमारा क्या बनेगा हमारा पेरिडम बनेगा यानी कि इतना तो समझ आ गया कि ये जो हमने मैच द कॉलम अभी किया है दो तीन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड वो किससे रिलेटेड है वो पेरीडोम से रिलेटेड है अब यहाँ पे पेरिडम सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है वुडी ट्री ड्री पेरिडम नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है हमारे माइंड में वुडी ट्री स्पीशीज की बात आ जाती है यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है यहाँ पे बात हो रही है वुडी ट्री की अब देखते हैं कि पेरिडम क्या होता है और ये सारे जो टर्म्स हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं पेरिडम जो होता है वो क्या होता है पेरिडम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री यानी कि जो ट्री का बार्क होता है उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है पेरीडम और जो अभी हमने देखा कि तीन चीज से मिलकर बनता है जिसे बोलते हैं कॉर्क या फिर कॉर्क कैम्बियम फेलोजन और एक फेलोडम अब जो कॉर्क कैम्बियम है उसका नाम क्या है फेलोजन इसलिए हमने मैचिंग में क्या किया था फेलोजन को कॉर्क कैम्बियम से मैच किया था तो कॉर्क कैम्बियम जो है उसका आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे बोलते हैं फ्लैम और जो इनर मोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं फेलोडम तो ये टर्म क्लियर हो गया

उसके जो दो डेरिवेटिव हैं आउटर डेरिवेटिव और इनर डेरिवेटिव वो भी उसी से ही ड्राइव होंगे कॉर्कैम्न क्या होता है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है लैटरल मेरिस्टम का हेलो डियर लर्नर्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आई एम हियर विद दी अनदर डेली एमसीक्यू डोज इन व्हिच आई विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट डेज दैट इज रिलेटेड टू साइंस इन सो मेनी एग्जाम्स

और मैंने प्रीवियस कुछ साल के क्वेश्चन पेपर्स भी देखे उसमें जो जो डेट्स पूछा गया है स्पेशली मैंने उनको भी कवर किया है और हमेशा इससे सी एस आर की सी पार्ट में क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको एक आध डेट भी याद हो उस ऑप्शन के तो वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं मोर ओवर गेट में डीबीटी में हमेशा पूछा जाता है डेट कि किस डेट पे क्या नॉट इवन जस्ट इन सी एस आई आर डीबी टी गेट इसके अलावा भी अगर आप पी एस सी की कोई एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर आप स्टेट का कोई सेट एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी ये पूछा जाता है या इवन जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जे जो कंडक्ट कराता है और उसके अलावा भी जो पी एंट्रेंस होता है उसमें एक आध डेट तो पूछा ही जाता है तो ओवरऑल इस सिन। तो ओवरऑल एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरा ही इम्पोर्टेंट डेट जो भी साइंस से रिलेटेड पूछा जाता है वो मिल जाएगा

एक वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है किसी ना किसी पर्टिकुलर मैटर पे जैसे कि एंटी पल्यूशन वीक होता है एंटी ड्रग वीक होता है तो वो सब याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ही कन्फ्यूजन भी हो जाएगा हम अगर खूब सारा डेट याद रख लेंगे तो इसीलिए यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली हर साल के डिबी टी गेट और पर्टिकुलरली सी एस आई आर एग्जाम के पेपर को थोड़ा सा देख के उसमें कौन कौन सी चीजें पूछी जा रही है इवन मैंने सेट के पेपर भी उठाए उसमें जो डेट पूछा गया उसको मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है वीक याद करने की जरूरत नहीं है जनरली स्पेसिफिक जो होता है और एकदम टू दी पॉइंट होता है उसे ही एग्जाम में पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल कोई वीक याद नहीं रख सकता लेकिन हाँ ये जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेन इंटरनेशनल साइंस डेज सेलिब्रेटेड वेन नेशनल साइंस डेज सेलिब्रेटेड तो इसलिए मैंने ये वीडियो उसी के बेसिस पर बनाया है फॉर एग्जाम्पल नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी एट फेबर इंटरनेशनल साइंस डे भी पूछा जा सकता है अब इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं अगर हमने मिस रीड किया नेशनल इंटरनेशनल तो गलत हो जाएगा नेशनल साइंस डे हम ट्वेंटी एट फेबर को मनाते हैं और इंटरनेशनल साइंस डे हम टेंथ ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं लाइक वन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे और आई डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल वर्ल्ड इन्वामेंट डेज सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्थ जून वर्ल्ड वाटर डे और अर्थ डे इनमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है वर्ल्ड वाटर डे जो होता है वो ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है हम इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाते हैं तो ये जो ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू है इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है तो उसे हमें याद रखना है कि सबसे पहले हम क्या मनाते हैं हम वाटर डे मनाते हैं उसके जस्ट एक महीने बाद हम अप्रैल डे मनाते हैं सॉरी अर्थ डे मनाते हैं ट्वेंटी सेकेंड अप्रिल को और उसके एक मंथ बाद हम मनाते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे तो ये जो ट्वेंटी टू का जो तिकड़ी है उसको भी याद रखना है अलग अलग सबसे पहले वाटर डे नेक्स्ट अर्थ डे एंड देन वी सेलिब्रेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे उसके बाद एड्स आता है एड्स को हम एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम का हमेशा ही कैंपेन चलाया जाता है वो कब होता है फर्स्ट दिसंबर को वर्ल्ड वेटलैंड डे ये भी बहुत पूछा जा रहे है ये होता है सेकेंड फरवरी को नेक्स्ट जो है वर्ल्ड कैंसर डे फोर्थ ऑफ फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे याद रख लीजिए जब चिल्ड्रंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं उस दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है वर्ल्ड डायबिटीज डे को कभी कभी डब्लू डी डी भी लिखा जाता है डायबिटीज़ फेडरेशन जो है वो डब्ल्यू डी डी के उससे भी अपने पूरे ब्रोशर में फ्लायर में यूज़ करती हैं तो वो फोर्टीन नवंबर को होता है एटथ मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे होता है सेवंथ ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड नो टोबैको डे या फिर वर्ल्ड एंटी टोबैको डे बोल सकते हैं वो होता है थर्टी फर्स्ट मे को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है एलेवंथ ऑफ जुलाई को ये पूछा जाता है हमेशा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बहुत सारे मुझे पेपर्स में मिले सेट के दो पेपर्स में मुझे ये दिखा था वर्ल्ड ओजोन डे भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है जब भी पोल्यूशन या इन्वायरमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे ये सारी चीजें वेटलैंड ओजोन डे पॉपुलेशन डे वर्ल्ड नाइट डे ये सब चीजें पूछी जाती हैं तो हम वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं सिक्सटीन ऑफ सेप्टेम्बर को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं थर्ड मार्च को और वर्ल्ड टीबी डे यानी कि वर्ल्ड ट्यूबर डे हम कब मनाते हैं ट्वेंटी ऑफ मार्च को तो अभी जितना भी हमने ये सब पढ़ा है ये दो स्लाइड्स में उतना भी अगर आप रीड कर लेंगे अच्छे से लर्न कर लेंगे प्रॉपरली तो आपका काम बन जाएगा क्योंकि अगर ये सी पार्ट में पूछेगा तो ऐसा तो नहीं है कि आप चारों ऑप्शन में से कुछ भी पिक नहीं कर पाएंगे अगर आपने दो तीन में पिक कर लिया तो आप करेक्ट आंसर तो निकाल ही लेंगे तो इतने सारे को बस याद रखिए और हमेशा इसको एक बार देखते रहिए वैसे ज्यादा कुछ नहीं है मोस्ट ऑफ द तो हम हमेशा याद ही रखते हैं क्योंकि कॉमन ही डेज है जो थोड़ा सा अलग है जैसे कि ओजोन डे है वेटलैंड डे है उनको ही याद रखना है वाइल्ड लाइफ डे जो हम उतना मेमोरी में हमारे नहीं रहता है सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड ऑल्सो एक और बात मैं कहना चाहती थी जितने भी मैं ये सीरीज निकाल रही हूँ डेली एम सीक्यू डोज उसके पीछे का मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम बहुत सारी चीज़ें कवर करें शॉर्ट वीडियो में क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो रहता है तो उतना हम टाइम नहीं निकाल पाते पढ़ने के लिए क्योंकि हमें हम सेल्फ स्टडी भी करनी होती है इसलिए मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं छोटा से छोटा वीडियो लेके आऊँ लेकिन हाँ वो उतना ही इफेक्टिव हो जितना हम उसको हाफ एन आवर या वन आवर में पढ़ सकते हैं तो आप इन वीडियोज़ को देखिए और उसको एन्जॉय कीजिए और साथ ही साथ मैंने ये भी सोचा है कि जब भी टेन टेन वीडियोस हो जाएंगी डेली एमसीक्यू डोज का तो मैं उसका एक कंपाइलेशन भी लेके आऊंगी सो so दैट आपको अलग अलग वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी आप एक, एक ही वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम हाँ उनको कवर कर लेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग